हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कैसे अर्निंग ज़बरदस्त ऐप लेकर आया हूँ जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे। लेकिन अभी नहीं, आज से कुछ साल ही समझ लो कि उसका जो कॉइन है वो $1 तक जाना है, ठीक है ना। 2023 चल रहा है, 2024 के एंड में उसका एक कॉइन $1 के बराबर होगा। तो हर बंदा उस पर अकाउंट बना रहा है और रेफर आगे अपनी टीम वर्क बना रहा है और उस पर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उस पर इन्वेस्ट करो, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप उस पर अकाउंट फ्री बना लो, ठीक है ना। तो आज की वो ऐप है प्ले स्टोर में, मैं दिखाता हूँ आपको, बी लव नेटवर्क। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका डैशबोर्ड, इसके अंदर क्या चीज़ है। आपने बी लव ऐप ओपन कर लेनी है। ये इसका डैशबोर्ड होगा। जब आप सब कुछ अकाउंट बना लोगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर प्राइवेट की, ये इसकी जो प्राइवेट की है और इसका पासवर्ड और इसकी जीमेल, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये जीमेल और प्राइवेट की ना सेव की और आपने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, वो सबका सब ज़ाया हो जाएगा। अगर आपने 2,000 रुपया भी लगाया तो आपको प्राइवेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ये देखो यहाँ पर मई टीम लिखा हुआ है, रेफर लिखा हुआ है, टीम रिवार्ड लिखा हुआ है। जो बंदे आपके नीचे काम करेंगे उनका रिवार्ड भी आपको मिलेगा, उनको तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन आपको अलग से मिलेगा। आप वैलेट में जाएंगे, यहाँ पर जो रिवार्ड होगा BFC के जो भी सिक्के होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो BFC प्राइस $1,538 का है। एक BFIC है जो जो आपने डिपॉजिट करना है, यानी कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। ये टीम के कितने बंदे आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो मेरे नीचे एक ही बंदा है तो ठीक है ना। तो स्टैटिक में जाओगे तो यहाँ पर स्टैटिक में शो हो जाएगा कि आपने कितने की वो लगाई है, इन्वेस्ट कितने की किया है। यूएस स्टैकिंग स्टैकिंग में मैंने 100 लगाए थे और अभी मेरे पास 19 हैं, और मैक्सिमम जो मैं रिवार्ड हासिल कर सकता हूँ ना वो 520 लव हासिल कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस ऐप में कोई कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अकाउंट बनाकर डेली इस पर एक बार दिल पर क्लिक करना है बस। इससे ज़्यादा इस पर कुछ भी काम नहीं है।